हेलो एवरीवन, हम हमारा टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी मींस अरेंजमेंट ऑफ आ नेटवर्क। पहले मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि टोपोलॉजी क्या होती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स का फिजिकली और लॉजिकली आपस में इंटरकनेक्टिविटी होना, मतलब किसी एक स्ट्रक्चर को बनाकर उन्हें हम आपस में जोड़ दें, दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब जैसे कि सोचो कि अपनी लैब में जो सीक्वेंस में पीसी लगे हुए हैं वो आपस में जुड़े हुए हों, एक पीसी पर वाईफाई का कनेक्टिविटी हो और बाकी सभी पीसीज को वाईफाई की कनेक्टिविटी चाहिए हो, तो हम उन सभी को फिजिकली और लॉजिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि सभी के पास वाईफाई की कनेक्टिविटी मिल जाए उन सभी को, और सारे पीसी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हों। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं ये टॉपोलॉजी के अंडर में आती हैं। ठीक है, एक मिनट इसकी डेफिनेशन देख लो। मैंने आपको दो डेफिनेशन दी हैं, दोनों में से जो अच्छी लगे आप वही लर्न करना। आ नेटवर्क टॉपोलॉजी रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब किस फॉर्मेट में उन्हें हमें आपस में कनेक्ट करके रखना है। फिजिकल मीन्स द फिजिकल लेआउट ऑफ द नोड्स, वर्क स्टेशंस एंड केबल्स इन अ नेटवर्क, व्हाइल लॉजिकल स्ट्रक्चर्स रेफर्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब आप समझे इस चीज़ को? नहीं समझे? देखिए एक मिनट, कैसे बताना चाह रही हूँ मैं। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब बोला है इसने फिजिकल लेआउट ऑफ द नोड्स। फिजिकल लेआउट ऑफ द नोड्स का मीन्स देखो जैसे सपोज करो कि एक नोड यहाँ है स्पीसी का, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, बहुत सारे मल्टीपल नोड लगे हुए हैं। अब फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि हम लोगों ने इनको ऐसे कनेक्ट कर रखा है, मतलब फिजिकली ये किस तरीके से कनेक्ट है। ठीक है, मतलब आपने एक केबल यहाँ से दी, 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 ये तो उसका हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर। और अब एक सेंटर में मान लो एक्स्ट्रा पीसी लगा, और लॉजिकल मतलब मान लो ये तो आपका हेड है, मेन सर्वर बना हुआ है, तो इस यहाँ से सारा डेटा डिस्पैच होगा, वो यहाँ भी दे रहा है, वो यहाँ भी दे रहा है, वो यहाँ भी दे रहा है, वो यहाँ भी दे रहा है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिकल फ्लो, मतलब किस तरीके से डेटा ट्रैवर्स कर रहा है कंप्लीट नेटवर्क में, दिस इज़ कॉल्ड द नेटवर्किंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब समझिए दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों में से कोई भी एक कर लेना आप। नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस नोड्स विद द लाइन ऑफ कनेक्शन एंड डिटरमाइंस दैट द हाउ द कंप्यूटर विल कम्युनिकेट इन द नेटवर्क, कि मतलब जो मल्टीपल नोड्स हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे किस तरीके से वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब डेटा कैसे ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में आप सभी को? बहुत सारे तरीके होते हैं टोपोलॉजी के, मतलब हम ये बोल सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आर देयर। फर्स्ट बस टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, मतलब इसी फॉर्मेट में उसका स्ट्रक्चर बनेगा और उसी स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अपना जो डेटा है वो नेटवर्किंग के रिगार्डिंग ट्रैवर्स करा सकते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी की हम बात करते हैं जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। देखो इसके नाम से ही मैं आपको ईजिली समझाऊंगी। पहले बस टोपोलॉजी मतलब जिसमें बस की तरह वर्क होता है। अब देखो बस में कैसे होता है, आप बताओ मुझे बस में कैसे होता है। बस में ऐसे होता है कि एक भाई ऐसे बस बनी हुई होती है। सपोज करो ये हमारी बस है, ठीक है, अब यहाँ एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है, और आधी सवारियाँ यहाँ बैठी हैं, आधी यहाँ बैठी हैं, फिर यहाँ बैठी हैं, फिर यहाँ बैठी हैं, फिर यहाँ बैठी हैं, फिर यहाँ बैठी हैं। लेकर कौन जा रहा है सारी, ये सभी समझ लो कि ये डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, इन सभी को लेके कौन जा रहा है, ये लेके जा रहा है ना, ये हमारा क्या बन गया, मेन हेड, या तो हम इसको बोलेंगे हेड
या हम इसको बोलेंगे सर्वर, जो कि इन सभी को लेकर जा रहा है। ये सभी क्या हुए? नोड्स। ठीक है, ये क्या हुए? सभी नोड्स। और इन सभी नोड्स का इस तरीके के फिजिकल स्ट्रक्चर में होना, दिस इज कॉल्ड टॉपोलॉजी। मतलब एक बस की फॉर्मेट है। बस में ऐसे ही तो होता है, बीच में एक मेन नोड, मतलब हेड नोड होती है। मतलब ये समझ लो ये गैलरी है, आधा एक पीस यहाँ रखा है, एक पीस यहाँ रखा है, एक पीस यहाँ रखा है, एक पीस यहाँ रखा है। मतलब इसी तरीके से तो डेटा रखा रहता है, मतलब है ना। और ये आपको ले जाने वाला है, इसने ये बीच में एक मेन नोड बना रखी है, मतलब जो इससे जोड़ कर ले जाती है आपको, और इसी में से आपको डेटा मिल रहा है, इसी से आपकी सीटें जुड़ी हुई हैं। आ गई बात समझ में? तो ये पैटर्न है बस टोपोलॉजी का। इसका नाम इसीलिए दिया है क्योंकि एक बस की फॉर्मेट में होती है, और इसमें जो भी डेटा होता है वो बस की फॉर्मेट में आता है। ठीक है, अब देखिए, इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। बीच में अभी मैंने ये जो केबल बताई थी, कौन सी? ये एक सिंगल सेंट्रल केबल से जुड़े हुए होते हैं सभी नोड्स। ये मल्टीपल नोड्स बने हुए हैं, ये सभी एक सेंट्रल केबल से जुड़े हुए हैं। दिस सेंट्रल केबल इज नोन एज द बैक बोन ऑफ द नेटवर्क। ये सभी का बैकबोन है, मतलब डेटा यहीं से आ रहा है। इन बस टोपोलॉजी वन ऑफ द कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर एंड रिमेनिंग नोड्स आर क्लाइंट। देखो इसमें ये क्या है, ये इसकी बैकबोन है ना। अब इस टोपोलॉजी में मैंने बताया था, यार ये क्या हो रहा है, इस टोपोलॉजी में देखो, ये एक हमारी मेन सेंट्रल केबल आ गई जहाँ से सारा डेटा आ रहा है, और ये जो ये है ना, जो ड्राइवर बता रहे थे, ये अपना सर्वर है, क्योंकि ये समझ लो कि इसी ने अपने आप में वाईफाई कनेक्शन ले रखा है। अब इसी के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब तक प्रोवाइड कराए, है ना। तो आप सब लोग यहीं से लेंगे डेटा, इसने ये जो केबल लगा रखी है ना, आपकी यही यही आपके पीसी पर यही केबल जा रही है कनेक्टिविटी के लिए, तो आप इसी का जो सर्विस है ना वही ले रहे हैं आप। इसके पास जो वाईफाई है वही आपको मिल रहा है, वही इसे मिल रहा है, वही इसे मिल रहा है, वही इसे मिल रहा है, और पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? सर्वर। आप सभी क्या बन गए? नोड्स, क्लाइंट नोड्स। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? ठीक, चलिए अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए। वेट, क्लियर नहीं आ रहा बेटा। हाँ अब क्लियर है। एडवांटेजेस, इट वर्क्स वेल व्हेन यू हैव द स्मॉल नेटवर्क। ये तब अच्छे से काम करता है जब आपके पास एक छोटा नेटवर्क हो, मतलब ज़्यादा पीसी अगर आपस में इंटरकनेक्टेड है तो वहाँ पर इसके फेलियर होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट इज़ द इजीएस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर द कनेक्टिंग नेटवर्क। रिगार्डिंग टू इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सबसे इजीएस्ट है कि आपस में इंटरकनेक्ट करवा सकते हैं अपन। इट रिक्वायर्स लेस केबल एंड देन स्टार टोपोलॉजी। और जो दूसरी टोपोलॉजीज हैं उन सभी की बजाय इसमें बहुत कम केबल की ज़रूरत पड़ती है हमें। कम केबल की वजह से ये लेस कॉस्टिंग भी होता है। ठीक है, एक बार हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब कम बजट में काम हो जाता है इस टोपोलॉजी में। इजी टू इंस्टॉल होती है, इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, मतलब इतना इसका जो लॉजिकल लेआउट इतना इजी होता है कि हम लोग इजी इंस्टॉल कर लेते हैं और मेंटेन भी किया जा सकता है। ईजी टू एक्सपेंड द नेटवर्क बाय ज्वाइनिंग मोर केबल्स। ईजी टू एक्सपेंड मतलब हम अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सपोज करो आपको यहाँ पर कितने नोड्स मिले हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, 4, 5, 6, 7। अब सोचो कि आप इसमें और एक्सटेंड करना चाहते हो तो केबल और आगे एक्सटेंड कर दो, यहाँ नोड्स बढ़ाते चलो, 8, 9, मतलब इसमें हम लोग नोड्स को ईजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ कोई लास्ट छोर नहीं होता है ना कि हम लोग बस इसके आगे बढ़ा ही नहीं सकते, इसको इजीली एक्सपेंड किया जा सकता है। डिसएडवांटेज देख लीजिए, इफ केबल फेल्स कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन। अगर ये जो रूट केबल है जिसे अपन बोल रहे हैं बैकबोन केबल, जो मेन सेंट्रल केबल है जो डेटा को सप्लाई कर रही है सभी नोड्स के बीच में, अगर ये केबल फेल हो जाती है तो ये सभी नोड बैठे के बैठे रह जाएंगे, पूरा नेटवर्क सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा। समझ गए, ये इसका डिसएडवांटेज है। हैवी ट्रैफिक रिड्यूस द परफॉर्मेंस ड्यू टू कि एक सिंगल केबल से ही सारे डेटा पहुंचाए जा रहे हैं, इसी से ये लेगा,
इसी ये जो केबल है ना जा रही है सेंटर में, इसी केबल से मैं लूंगी, इसी से आप लोगे, इसी से दूसरा बच्चा, इसी से दूसरा बच्चा, अपने आईपी में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इसी से लेंगे। तो ये तो बिजी हो गई ना, बिजी हो गई तो उसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी, क्योंकि मैं भी मांग रही हूँ, आप भी मांग रहे हो, वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, तो उसके पास हैवी ट्रैफिक हो जाए, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, इसका कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है और सिक्योरिटी लैस होती है। सिक्योरिटी लैस होने का मतलब देखिए, इसने डेटा दिया, अब वही डेटा इसने केबल में ट्रैवर्स करा दिया, अब उसी डेटा को ये भी ले रहा है, 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 मतलब एक ही डेटा सभी के पास जा रहा है, तो उस डेटा की लेस सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये इसके और दो डिसएडवांटेज हैं, जिसको लिख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। समझ नहीं आया हो तो भाई कॉल करके पूछ लिया करो, मतलब कोई भी क्वेरी आप लोगों के सामने से नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं, आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आता है आप लोगों को। चलिए ठीक है, कर लेना इसको। और हाँ, जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, भाई 12th क्लास है, थोड़ा सा सीनियर हो जाओ, पढ़ने की ज़रूरत तुम्हें भी है। ओके, वॉक कीजिए और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर वॉक सेंड कीजिए।